कंपोनेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप, कोई भी ग्रुप उसको हम सोशल तब कहेंगे जब उसके ग्रुप मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग जब मीनिंगफुली एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जिनके मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी उसी ग्रुप को हम सोशल ग्रुप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाजार में जाते हैं तो बाजार में और भी बहुत सारे लोग हैं जो उधर से शॉपिंग कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन क्या वो जो ग्रुप है बाजार में लोगों का, क्या वो सोशल ग्रुप है? नहीं, वो सोशल ग्रुप नहीं है, क्योंकि आप बाजार में जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे। इसी तरह आप किसी बस में बैठते हैं, और भी बहुत सारे पैसेंजर हैं जो बस में बैठे हैं, लेकिन बस में आप बैठे हैं फिर उतर गए हैं, आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई दूसरे पैसेंजर से, तो उस ग्रुप को भी हम सोशल ग्रुप नहीं कहेंगे। तो अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस ग्रुप को हम सोशल ग्रुप कहेंगे। तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स होना लाजमी है। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है इंटरेक्शन, कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके दरमियान एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन होनी चाहिए। अब मेरिल जो है उसने डिफाइन किया है सोशल ग्रुप को कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए और उनका कोई ना कोई फंक्शन या सिमिलर पर्पस हो, तो तब हम उस ग्रुप को सोशल ग्रुप कहेंगे। ए डब्ल्यू ग्रीन ने डिफाइन किया है कि वो लोग जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक दूसरे से कुछ अरसे के लिए इंटरेक्ट करते रहते हैं, उन लोगों को हम ग्रुप कहते हैं। हमारी सोसाइटी या कल्चर की जो फाउंडेशन है वो है सोशल ग्रुप। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग जो कि एशियन कल्चर को स्टडी करते हैं, उनके मुताबिक इंसान जब से इस दुनिया में आया है वो ग्रुप फॉर्म में रहता है, वो ग्रुप्स में सर्वाइव कर रहा है। इंसान अकेला इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की कुछ बेसिक नीड्स हैं जैसे फूड है, शेल्टर है, सेफ्टी है। इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए इंसानों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है, और वो हेल्प तब भी पॉसिबल है जब इंसान ग्रुप फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ग्रुप फॉर्म में रहने से इंसान एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है, एक दूसरे की हेल्प कर सकता है। तो जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि कल्चर को स्टडी करते हैं, उनके मुताबिक इंसान जब से इस दुनिया में आया है वो ग्रुप फॉर्म में ही रहता है और ग्रुप में ही सर्वाइव कर रहा है। जब भी हम किसी भी सोसाइटी या कल्चर को स्टडी करेंगे तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस सोसाइटी या कल्चर के अंदर जो सोशल ग्रुप्स मौजूद हैं उनको हम स्टडी करें, क्योंकि सोशल ग्रुप को स्टडी करके ही हम एक सोसाइटी को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एक इंसान सबसे ज़्यादा लर्न अपने ग्रुप में से करता है, अपने सोशल ग्रुप से करता है। उसकी मिसाल इसी तरह है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो इंटरेक्ट करता है अपने पेरेंट्स से। उसके पेरेंट्स क्योंकि उसकी सारी नीड्स को पूरा करते हैं, उसको फूड देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, सारी बेसिक नीड्स जो होती हैं बच्चे की वो पूरा करते हैं, तो सबसे पहले जो एक इंसान या बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। इसी तरह जब वो ग्रो करता है तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का पार्ट बनता है और अपने कल्चर को लर्न करता है, कल्चर की नॉर्म्स को लर्न करता है, वैल्यूज को लर्न करता है, और इस तरह वो फिर एक सोसाइटी का पार्ट बन जाता है और सोसाइटी में सर्वाइव करने लग पड़ता है। तो एक इंसान के लिए लाजमी है कि वो एक सोशल ग्रुप के अंदर रह के लर्न करे और सर्वाइव करे, क्योंकि एक अकेला इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैं और ऑल फॉर्म ऑफ एसोसिएशंस में पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल इस तरह से होगी, द ग्रुप दैट अटेन्स सोशल सॉलिडेरिटी अमंग द मेंबर्स। ऐसा ग्रुप
जिसके मेंबर्स के दरमियान यकजहती होती है या सॉलिडेरिटी होती है। अब वो सॉलिडेरिटी या यकजहती क्यों होती है? क्योंकि ग्रुप मेंबर्स की आपस में इंटरेक्शन या सोशल कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है और उनका एक कॉमन फोकस या एक कॉमन गोल होता है। अब प्राइमरी ग्रुप जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो इमोशनली आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसकी जो प्राइम एग्जांपल है वो हमारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, हमारे घर में हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, वो क्या है कि एक हमारे प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा है। हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं या हमारे घर के जो इर्द गिर्द हमसाए रहते हैं वो भी हमारे प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स में आ जाते हैं। जो हमारे फर्स्ट कजन्स होते हैं, हमारे मामू, हमारे चाचा, हमारे ताए, उनके बच्चे, वो भी हमारे प्राइमरी ग्रुप में आ जाते हैं क्योंकि हमारी उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है। अब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियादों पे हम देख सकते हैं कि कौन से मेंबर्स प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट है फेस टू फेस इंटरेक्शन। ऐसे लोग जिनके साथ आपकी फिजिकली फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है वो प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। सेकंड करेक्टरिस्टिक आ जाता है इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब है कि कुर्बत होना। कुर्बत से मुराद ये है कि वो लोग जो हमारे बहुत ज्यादा करीब होते हैं, ऐसे लोग जिनके हम नाम को भी जान जिनके जिनका नाम भी हमें पता होता है, जिनके निकनेम्स तक हम जानते हैं, ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि जो हमारे बहुत ज्यादा करीब हैं वो प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। म्यूचुअल एड एंड हेल्प, ऐसे लोग जिन पे हम डिपेंड करते हैं और जिनकी हम हेल्प करते हैं रोजमर्रा के कामों में। जैसे एक फैमिली है और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हम हर काम में हेल्प करते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो चिल्ड्रन की हेल्प करते हैं, उनकी स्कूलिंग में उनकी हेल्प करते हैं। इसी तरह हम अपने बहन भाइयों की हर छोटे मोटे काम में हेल्प करते हैं। ये ग्रुप का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, स्मॉल होता है। इसीलिए ये ग्रुप मेंबर्स हर वक्त एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है इनकी आपस में। जो इंटरेक्शन है उसकी इंटेंसिटी एक तो हाई होती है, ये इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इनकी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती रहती है एक दूसरे के साथ। वो एक दूसरे के फिजिकली भी करीब रहते हैं, मीन्स कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो आप एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हैं, या आपका एक मोहल्ला है, आपके जो नेबर्स हैं वो आपके बिल्कुल इर्द गिर्द रहते हैं, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो एक ही मोहल्ले में हो सकता रहते हो या एक ही गांव में सारे रहते हो। जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स हैं इनकी एक दूसरे के साथ पर्सनल रिलेशंस होती हैं। पर्सनल रिलेशंस का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे की जात के साथ अटैच होता है। वो एक दूसरे के काम आ सकते हैं या एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड। सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड का मतलब है कि उनका जो पास्ट है वो सिमिलर होता है। जैसे जो बहन भाई हैं या जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं उनका जो पास्ट है और जो हमारा पास्ट है वो तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो ऐसे जो भी मेंबर्स हैं उन सबको हम प्राइमरी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, नेबरहुड आ जाती है, प्ले ग्रुप्स आ जाते हैं एंड डिफरेंट इसमें हमारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप, वो लोग जो कि सेकंड होते हैं कांटेक्ट में एक इंडिविजुअल के साथ प्राइमरी के बाद वो सेकेंडरी होते हैं। मींस के ऐसे ग्रुप मेंबर्स जिनके साथ हमारा कांटेक्ट की जो इंटेंसिटी है या इंटरेक्शन जो है वो जरा कम होती है वो सारे सेकेंडरी ग्रुप में आ जाते हैं। सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स के साथ एक इंडिविजुअल की जो इंटीमेसी है वो जरा कम होती है प्राइमरी की निस्बत। उनके साथ जो सोशल इंटरेक्शन या सोशल कांटेक्ट है वो भी काफी लिमिटेड होता है। अब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी ग्रुप को और सेकेंडरी ग्रुप को। सेकेंडरी ग्रुप जो है वो हमेशा लार्ज इन साइज होता है क्योंकि उनके ग्रुप मेंबर्स के साथ हमारा कांटेक्ट काफी कम होता है, इसलिए उस ग्रुप के लोगों की तादाद काफी ज्यादा हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि
हमारा जो प्रोफेशन है किसी भी इंसान के, जैसे एक डॉक्टर है, उसके जितने भी कुलीग्स हैं या डॉक्टर के प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है, वो सारे उसके सेकेंडरी ग्रुप का हिस्सा होंगे। क्योंकि लाजमी नहीं है कि उसकी हर एक के साथ फिजिकल इंटरेक्शन हो या बहुत ज्यादा क्लोजनेस हो, वो बस उसके प्रोफेशन के कह सकते हैं कि साथी हैं, सिमिलर प्रोफेशन है उनका। इसी तरह से जो हमारा मोहल्ला है या हमारी जो सोसाइटी है जिसके अंदर हम रहते हैं, उसके अंदर हो सकता है 1,000 2,000 लोग रहते हो। अब हमारा सबके साथ इंटरेक्शन एक जैसा नहीं हो सकता, तो वो सारे लोग भी हमारे सेकेंडरी ग्रुप का हिस्सा होंगे। इसी तरह से हमारे जो यूनिवर्सिटी फेलोज हैं या हमारे क्लास फेलोज हैं जो कि हमारे दोस्त नहीं, वो भी हमारे सारे सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट होंगे। इसी तरह से अगर एक गांव के जो तमाम रेजिडेंट हैं जिनका आपस में ज्यादा ताल्लुक नहीं है, वो सारे भी सेकेंडरी ग्रुप का हिस्सा होंगे। अब इसमें जो सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर हैं, जरूरी नहीं कि उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, उनकी कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट भी हो सकती है। उन सब के जो गोल्स हैं वो कॉमन नहीं होंगे, हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक जो है वो इंटरेस्ट या गोल होगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी ग्रुप के अलावा ग्रुप है, वो सारी रिलेशनशिप्स आ जाती हैं सेकेंडरी ग्रुप में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिलेशंस इन कंटेम्परेरी सोसाइटीज। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारी प्रेजेंट सोसाइटीज हैं उसमें हमारा जो एक इंडिविजुअल का रोल है वो किस तरह से चेंज हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है। जो हमारी पुरानी सोसाइटीज होती थी या रूरल सोसाइटीज होती थी, उनके अंदर इंसान की जो नीड्स हैं वो खाली प्राइमरी ग्रुप्स में पूरी हो जाती थी, और इंसान का जो सोशल इंटरेक्शन या सोशल कॉन्टेक्ट है वो लिमिटेड होता था खाली प्राइमरी ग्रुप तक। मगर आजकल की जो प्रेजेंट सोसाइटीज हैं या जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो सोशल कॉन्टेक्ट या सोशल इंटरेक्शन है वो सेकेंडरी ग्रुप के साथ भी बहुत ज्यादा है। अब उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जो पुराना दौर था या रूरल सोसाइटीज थी, उसमें इंसान की नीड्स काफी लिमिटेड थी। वो नीड्स इतनी कम थी कि वो खाली पूरी हो जाती थी इंसान के प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स की वजह से। क्योंकि हमें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इंसान ग्रुप में इस वजह से रहता है क्योंकि इंसान को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है। तो अगर हमारी जो नीड्स हैं या जो हमारी बुनियादी जरूरियात हैं, अगर वो सब प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स में रहने की वजह से पूरी हो जाएं, तो फिर हमें जरूरत नहीं है नहीं कि हम जो हमारे सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करें। लेकिन आजकल की जो प्रेजेंट सोसाइटीज हैं, उसमें इंसान की जो नीड्स हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि उसको अपने प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स के अलावा अपने जो सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी तरफ भी देखना पड़ता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से लेंगे, जैसे कि आजकल मार्केटिंग का दौर है, इंसान जो है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट सर्विसेज की नीड रहती है, तो जरूरी है कि वो डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करे। जैसे एक इंसान है, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, तो लाजमी है कि वो शॉपकीपर के साथ इंटरेक्ट करे, वो ऑनलाइन ऑनलाइन किसी ऐप से कोई चीज परचेज करे, या थ्रू डिफरेंट मीन्स कोई सर्विस हायर करे। तो इस सब के लिए जरूरी है कि वो इन सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करे। इसकी एक अदर वे भी है देखने का कि इंसान जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं या कम्युनिकेशन वेज हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। पुराने दौर में तो जस्ट फ्यू वेज होते थे कि इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। एक वे होता था खत का, एक वे होता था कि आप फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, टेलीफोन आए, फिर इंटरनेट आया, अब कंप्यूटर्स आ चुके हैं, और उन कंप्यूटर्स पे अब डिफरेंट सोशल एप्स हैं,
टीवी है, रेडियो है, सो हम कह सकते हैं कि दे आर 100 वेज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो अब इंसान की जो इंटरेक्शन है वो प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स के साथ तो है ही, लेकिन वो शिफ्ट हो रही है सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स की तरफ, क्योंकि इंसान ने अपनी नीड्स को पूरा करना है और नीड्स भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो इंसान जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन की तरफ। उसको अगर हम एक और एंगल से देखें तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंसान को अपनी कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि इंसान की जो नीड्स हैं या इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अब ज्यादा हैं मॉडर्न सोसाइटीज में। इसको अब हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल को सामने रखते हुए। पुराने दौर में जो फैमिली थी उस पर ही सारा इन्हेसार होता था बच्चों का, जैसे बच्चों की तरबियत करना भी फैमिली का ही काम होता था या पेरेंट्स का ही काम होता था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हुई, स्कूल्स का कंसेप्ट आया, जो बच्चों की अखलाकी तरबियत या नॉलेज ट्रांसफर करना था वो फैमिलीज की बजाय अब इंस्टीट्यूशंस या स्कूल वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। पुराने दौर में अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसकी घर वाले ही उसकी टेक केयर करते थे, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के बाद हॉस्पिटल्स का कंसेप्ट आया। अब कोई इंसान बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है और हॉस्पिटल में उसकी केयर की जाती है, डॉक्टर्स उसकी केयर करते हैं, नर्सेज उसकी केयर करती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं जिन्होंने अपने रोल्स को डिवाइड कर लिया है। अब ऐसी खवातीन जो कि जॉब करती हैं वो बच्चों की केयर खुद नहीं कर पाती, तो उसके लिए डे केयर सेंटर्स मौजूद हैं, वो बच्चों को डे केयर सेंटर में दाखिल करा सकती हैं और डे केयर सेंटर्स बिल्कुल माँ की तरह बच्चों की केयर करते हैं। सो मॉडर्न सोसाइटीज में जो रोल है वो शिफ्ट हो रहा है और इंसान की जो नीड्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि उसकी इंटरेक्शन प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स के साथ तो है, उसके अलावा सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स के साथ भी बढ़ती जा रही है।